पुलिस महानिरीक्षक ने किया कोतवाली और मतदान केंद्रों का निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र एसके भगत ने कोतवाली सहित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले अराजक तत्वों पर नजर रखने के साथ ही उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही पुलिस ने फरियादियों को कोतवाली गेट के बाहर ही रखा। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र एसके भगत ने कस्बे की कोतवाली सहित अन्य कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और कोतवाली में बन रहे नवीन भवन सहित कोतवाली प्रांगण और साफ सफाई का जायजा लिया। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक के संभावित दौरे की खबर सुनकर कोतवाली में साफ सफाई की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी, जबकि कोतवाली पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक एसके भगत को अपनी फरियाद सुनाने आए फरियादियों को कोतवाली के अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित भी रहे। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही मतदान केंद्रों और लोगों को अधिक से अधिक निडर होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका के चलते अराजक तत्वों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपद का भ्रमण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट रेंज महोदय यहां आए थे और थाने का भ्रमण किया, साथ ही कई मतदान केंद्रों पर भ्रमण किया और पब्लिक से भी वार्ता किया, थानों से संवेदनशीलता के बारे में मतदान केंद्रों की जानकारी किया, साथ ही क्या क्या निरोधात्मक कार्रवाई की गई इस संबंध में भी सब जानकारी ली गई और उनके द्वारा थाने द्वारा कृत कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि अधिकाधिक मतदान का अपने लोग इस्तेमाल करें, लेकिन जो भी दुष्ट तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तो ये अभियान के तौर पे चल रहा है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे माहौल में सौहार्दपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ संपन्न होगा। अपडेट मीडिया के लिए हर्षित गुप्ता की रिपोर्ट।